हेलो साथियों गुड्स स्टडी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे तो मैं चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और जो सिक्स क्लास की बुक हम लोग स्टार्ट किए हैं एस सी आर टी की तो उस बुक को यदि आप पढ़ना चाहते हैं बेसिक से एकदम चाहे जिस जिस टॉपिक को आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं यकीन मानिए कि एकदम आपका जो बेस होगा वो मजबूत होगा बस आप इस चैनल पर ट्रस्ट करिए थोड़ा सा ट्रस्ट करिए और समय दीजिए एक एक करके सभी वीडियोज़ अपलोड की जाएंगी और यदि पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाइए जा के देखिए संख्या और संख्या के बारे में विश्लेषण किया गया है स्थानीय मान के बारे में बताया गया है जातीय मान के बारे में बताया गया है अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं के बारे में भी बताया गया है तो जाइए और पीछे वाली जो वीडियोज है उसको देखिए और देख करके तब जाके ये वीडियो आप अच्छे से समझ पाएंगे ऐसा नहीं है कि उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो भी ये वीडियो आप लोगों को समझ में आएगी लेकिन वो बेसिक थी और यदि वो वीडियो आप ले देख लेते हैं तो आपका सौ नहीं एक सौ दस परसेंट जो होगा वो फ़ायदा होगा तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि चैप्टर टू हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं देखिए चैप्टर टू हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्ण संख्याएं है। पूर्ण संख्याएं है क्या हैं और पूर्ण संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में क्या क्या ऐसी जानकारियाँ हैं जो हमें होनी चाहिए और ये रहेंगी तो कहीं ना कहीं हम पूर्ण संख्याओं के बारे में टिप्पणी अच्छे से कर पाएंगे चाहे पूर्ण संख्याओं का के बारे में डिस्क्राइब हम अच्छे से कर पाएंगे <स्टितिति> तो चलिए देखते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है और पूर्ण संख्याओं के बारे में क्या क्या विशेष तथ्य हैं देखिए पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याएं ध्यान से देखिए पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं इसको अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर होल नंबर इसको होल नंबर बोला जाता है अब देखिए पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं सबसे पहले पीछे की वीडियोज में हमने क्या देखा था संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़े थे संख्याओं के बारे में पढ़े थे और संख्याएं कितनी होती है संख्याओं को गिना नहीं जा सकता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इन्फिनेटिव तक यानी कि संख्याएं कहाँ तक हो सकती हैं इन्फिनेटिव तक हो सकती हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत तो तक हो सकती है क्योंकि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई हो ही नहीं सकती जीवन खत्म हो जाएगा गिनते गिनते तभी भी संख्याएं समाप्त नहीं होंगी इसलिए सबसे बड़ी संख्या को क्या माना गया है इन्फिनेटिव माना गया है अब देखिए ये तो संख्याएं थी लेकिन हम बात कर रहे हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं पहले इसके माध्यम से हम स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं देखिए सबसे पहले संख्याएं जो होती है कहां से स्टार्ट होती है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इंफिटी ये संख्याएं हो गई ये थे नेचुरल नंबर ये थे नेचुरल नंबर ये प्राकृतिक संख्याएं थी ये जो जो थी होल नंबर होल नंबर होल नंबर में क्या आएंगे ध्यान सुनिएगा आप लोग देखिए ये नेचुरल नंबर थे और ये होल नंबर होल नंबर में जीरो अब देखिए जीरो का मतलब क्या है इस नेचुरल नंबर में ये जीरो नहीं आ रहा है ना इस नेचुरल नंबर में ये जीरो नहीं आ रहा है क्योंकि इतना गोला है और इसमें कहाँ से कहाँ तक संख्याएं हैं एक से लेकर और इन्फिनेटी तक की संख्याएं हैं एक से लेकर और अनंत तक की संख्याएं हैं इसमें एक से लेकर और अनंत तक, ले तक की संख्याएं हैं तो ये जीरो इसमें नहीं आ रहा है जब जीरो इसमें नहीं आ रहा है तो प्राकृतिक संख्या कहा से, कहां से तक हो सकती है प्राकृतिक से लेकर के और यानी कि अनंत तक हो सकती है तो में क्या क्या आ रहा है होल नंबर में ये जीरो आ रहा है होल ही नंबर में ये भी आ रहा है सब यानी कि जीरो भी आ रहा है एक दो तीन चार पांच ये सभी संख्याएं भी आ रही हैं अर्थात होल नंबर में क्या हो सकती है संख्याएं होल नंबर में जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इन्फिनिटी तक तक हम संख्या होल नंबर का इंस्ट्रक्शन क्या होगा ध्यान से देखिए नेचुरल नंबर का इंस्ट्रक्शन इसको बराबर लिख देते हैं हम वन टू थ्री फोर फाइव डॉट डॉट डोट लेकिन यही जो होगा ये नेचुरल नंबर है ये प्राकृतिक संख्याएं हैं प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्याएं हैं अब देखिए पूर्ण संख्या क्या होंगी पूर्ण संख्या स्टार्ट थी अब ये जीरो से स्टार्ट होगी क्योंकि जीरो इसमें आ रहा है वन से पहले जीरो आएगा जीरो वन टू थ्री फोर फाइव डॉट डॉट इंफिनिटी तक अब देखिए इन प्राकृतिक संख्याओं में बात किया जाए तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या वन हो जाएगी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या वन हो जाएगी लेकिन पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होगी सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होगी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इन्फिनेटिव होगी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इन्फिनेटिव होगी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी इन्फिनेटिव होगी अब ये जीरो को संख्याओं में शामिल करने की जरूरत क्या पड़ी इसके बारे में हम बता लेते हैं कि जीरो को क्या जरूरत पड़ी कि हम इन संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं में शामिल करें क्या जरूरत पड़ी कोई तो जरूरत पड़ी होगी और वो जरूरत क्या थी इसके बारे में हम लोग जानते हैं क्योंकि अक्सर ये बताया जाता है कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि जीरो को शामिल कर लिया जाए तो ये सभी जो संख्याएं होंगी वो पूर्ण संख्याएँ बताया तो जाता है लेकिन क्या जरूरत पड़ी शामिल करने की क्यों हम शामिल करते हैं आखिर रीज़न क्या है इसका कि हम जीरो को शामिल कर लेते हैं ये नहीं बताया जाता है तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जीरो को पूर्ण संख्याओं में शामिल क्यों किया जाता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक डिब्बा है दो डिब्बा तीन डिब्बा और चार डिब्बा यहाँ पे चार डिब्बे हैं इसमें तीन टाफिया है इसमें कितनी टाफिया है तीन टाफिया है इसमें केवल दो टाफिया है इसमें केवल एक टाफिया और इसमें क्या है कुछ भी नहीं है खाली है अब देखिए इस एक टाफी को दर्शाने के लिए हम वन का तो प्रयोग करते हैं एक टाफी को दर्शाने के लिए किसका उपयोग करते हैं संख्या के रूप में एक का उपयोग करते हैं दो को दर्शाने के लिए किसका उपयोग करते हैं दो काम करते हैं, तीन को के लिए, तीन का कोई ना कोई अंक है लेकिन ये यहाँ पे कोई टाफिया नहीं है ये चाहे यहाँ पे कोई वस्तु है ही नहीं जब है ही नहीं है तो इसको दर्शाने के लिए किसका उपयोग करेंगे तो इसको दर्शाने के लिए जिस अंक को लिया गया उसको बोला गया जीरो Invece, और जीरो को क्या माना गया एक पूर्ण संख्या माना गया और जीरो यदि इन प्राकृतिक संख्याओं में शामिल कर लिया जाए तो ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी पूर्ण हो जाएंगी इसीलिए इस जीरो का इम्पोर्टेंस आप समझिए कि जिस संख्या में देखिए जिन प्राकृतिक संख्याओं से पहले जीरो लग जाएगा वो सभी क्या हो जाएंगी पूर्ण हो जाएंगी अब प्राकृतिक संख्याएं कौन हो जाएंगी वन से लेकर के इन्फिनेटिव तक हो जाएंगी वन से लेकर इन्फिनेटिव तक की संख्याएं क्या हो जाएंगी प्राकृतिक हो जाएंगी और वन से लेकर जब तक तो की संख्याएं प्राकृतिक होंगी तो इनसे पहले जीरो ले लीजिए तो जीरो ले लेंगे तो अब संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होने लगेंगी जीरो से और जीरो से स्टार्ट होने लगेंगी तो ये सभी क्या हो जाएंगे प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इन्फिनेटिव और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या वन सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इन्फिनेटिव तो इन दोनों को समझने की जरूरत है ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है और ये सबसे छोटी पूर्ण संख्या है ये सबसे छोटी क्या है पूर्ण संख्या है अब पूर्ण संख्याओं के के कुछ गुण के बारे में हम देख लेते हैं कि पूर्ण संख्याओं के कौन कौन से गुण होते हैं पूर्ण संख्याओं को क्रम से दर्शाना हो तो कैसे हम दर्शाएंगे देखिए यदि इसको आप लोग समझ लिए होंगे तो इसको मिटा देते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं देखते हैं आप लोगों में देखिए बुक में दिया है एक पेड़ बना करके और चिड़ियों को उड़ा करके दिखाया है कि एक पेड़ पे दो चिड़िया है तो दूसरे पेड़ पे कितनी चिड़िया दूसरे पेड़ पे एक चिड़िया है तीसरे पेड़ पे एक भी चिड़िया नहीं है तो उसको दर्शाने के लिए वहाँ पे जीरो का उपयोग किया है वहाँ पे वैसे दर्शाया है क्योंकि देखिए बुक में भी दिया है यहाँ पे बुक में देखिए यहाँ पे क्या दिया है साक्षात दिया है यहाँ पे क्या यहाँ पे दो चिड़िया दिया है यहाँ पे एक चिड़िया दिया है और यहाँ पे एक भी चिड़िया नहीं है इसको दर्शाने के लिए जीरो का उपयोग किया है हालांकि हम पेन के माध्यम से नहीं बताए लेकिन डिब्बो के माध्यम से बताए कैसे भी आपको समझ में आना चाहिए होल नंबर हम पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं मान लेते हैं कि एक संख्या रेखा यहाँ पे खींच लिया हम संख्या रेखा यहाँ पे खींच लिए संख्या रेखा पर किसी एक नियत मान को जीरो मान लेते हैं जहां से स्टार्टिंग होती है और इसके दाई और चलेंगे तो ये जो संख्याएं होंगी वो क्या हो जाएंगी दाई और चलने पर ये जो संख्याएं होंगी वो धनात्मक ली जाएंगी किधर चलने पर दाई और चलने पर ये संख्याएं क्या ली जाएंगी धनात्मक ली जाएंगी दाई और चलने का मतलब देखिए जीरो वन टू थ्री फोर ऐसा दर्शाया जाएगा तो ये सभी जो संख्याएं होंगी पूर्ण संख्याएं होंगी और इनको संख्या रेखा पर इसी तरह से दर्शाया जाता है तो उम्मीद कर रहे होंगे संख्या रेखा पर दर्शाना आप लोगों को समझ में आया होगा अब देखिए ये तो समझ में आ जाता है इनका गुणधर्म क्या होता है पूर्ण संख्याओं का गुणधर्म पूर्ण संख्याओं का गुण क्या होता है गुण में हम बात कर लेते हैं यदि तीन आ, क्रमागत पूर्ण संख्याओं को लिखा जाए तीन क्रमागत पूर्ण संख्या लिखने का मतलब क्या है जैसे हम लिख दिए फाइव सिक्स सेवन बड़ा बड़ा लिख देते हैं इसको फाइव सिक्स सेवन ये तीन क्रमागत पूर्ण संख्या है क्रमागत है क्रम से फाइव सिक्स सेवन एवं छत ये क्रम से है अब देखिए इसका गुण धर्म क्या होता है ये जो मध्य वाली संख्या होती है बीच वाली संख्या बीच वाली जो संख्या होती है एक संख्या इससे कम होती है और एक संख्या इससे अधिक होती है एक संख्या इससे अधिक होती है और एक संख्या इससे कम होती है कोई भी संख्या लिखिए तीन कोई संख्या लिखेंगे तो यही हाल होगा एक संख्या इससे कम होगी और एक संख्या इससे अधिक होगी एक संख्या इससे कम होगी और एक संख्या इससे अधिक होगी अब देखिए इसका दूसरा गुण धर्म क्या होगा गुण धर्म नंबर टू अब देखिए दो नंबर में बात कर लेते हैं ये पहली संख्या और तीसरी संख्या को जोड़ेंगे और जोड़ करके यदि आधा करते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी जैसे सात और पांच कितना होता है बारह और बारह में दो संख्या करेंगे यानी कि आधा करेंगे बारह का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा छे और देखिए छोड़ी संख्या प्राप्त है जैसे इलेवन, तीन संख्या लिख दिया हमने अब देखिए पहले और तीसरे को जोड़ेंगे और जोड़ करके दो से भाग करेंगे यानी कि ग्यारह नौ बीस होता है और बीस का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा दस और ये दस देखिए यहाँ पे संख्या बीच वाली है यानी कि तीन क्रमागत संख्याओं का गुण क्या होता है कि पहले और तीसरे को जोड़ करके और उसमें दो से भाग दे देंगे यानी कि आधा करेंगे तो बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी अब देखिए इन तीनों संख्याओं में एक एक का अंतर होता है पहली संख्या का दूसरे से एक का अंतर होता है पहली संख्या का दूसरे से दो का अंतर होता है अब पहली संख्या का दूसरे से एक का अंतर होता है दूसरी संख्या का तीसरे से एक का अंतर होता है तो सबका अंतर समझ में आ गया होगा उम्मीद कर रहे होंगे कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो पहली संख्या और तीसरी संख्या का जो योग होता है उसका आधा यानी कि हाफ दो से भाग और किसके बराबर होता है बीच वाली संख्या के बराबर होता है तो उम्मीद कर रहे होंगे इंस्ट्रक्शन है जो पूर्ण संख्याओं से रिलेटेड आप लोगों को समझ में आया होगा और समझ में आया है तो चलिए हम आगे देखते हैं और देखते हैं कि प्रश्नावली जो है दो पॉइंट वन दो पॉइंट वन यानी कि टू ए उसमें कौन कौन से सवाल है और कैसे हम लोगों को हल करने की जरूरत है तो यदि इंस्ट्रक्शन समझ में आया एक बार और बता देते हैं देखिए तीन क्रमागत संख्याओं को यदि लिया जाता है तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं को लिया जाएगा तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग फल और उसका आधा जो होगा वो कौन सी संख्या होगी बीच वाली संख्या होगी प्रत्येक संख्याओं में कितने का अंतर होगा केवल एक एक का अंतर होगा देखिए ये होगा पांच पांच से छ पांच से छ यानी कि एक का अंतर छह से सात यानी कि एक का अंतर पहले संख्या में और दूसरे संख्या में एक का अंतर पहले संख्या में और तीसरे संख्या में दो का अंतर होगा तो इसको भी समझने की हमें जरूरत है अब देखिए प्रश्नावली हम टू ए के बारे में चलते हैं प्रश्नावली टू ए क्या है यदि आप लोग समझ लिए होंगे तो इसको मिटा तो देते हैं देखिए प्रश्नावली टू ए प्रश्नावली टू ए आप लोगों में अभ्यास होगा तो अभ्यास है या प्रश्नावली दोनों वही होता है तो इसको भी समझने की जरूरत है अब देखिए प्रश्नावली क्या क्या कह कह रहा रहा है है में क्वेश्चन नंबर उम्मीद कर रहे होंगे क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई भी दे रहे होंगे नहीं भी दिखाई देते हैं तो आप बुक को अपने साथ रखिए बुक को अपने साथ रखेंगे रखे तो कई फायदे होंगे बुक के सारे सवाल आप लोगों को समझ में आएंगे देखिए क्वेश्चन नंबर वन की हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या दिया है देखिए क्या दिया है दिया है सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए तो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हमने क्या क्या बताया था वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इन्फिनिटी तक ये क्या हो गई प्राकृतिक संख्याएं हो गई प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या हो गई अब पूर्ण में देखिए पूर्ण में क्या होता है पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव डॉट 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 इन्फिनिटी। अब देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या वन और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इन्फिनिटी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो तो सबसे छोटी है और यही पूछ रहा है सबसे छोटी तो यही पूछ रहा है इसके बारे में क्या बता सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है जीरो आंसर होगा का का हो 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 तो इसमें सबसे छोटा क्या है जीरो है तो जीरो सबसे छोटी क्या होगी पूर्ण संख्या होगी अब क्वेश्चन नंबर हम टू की बात कर लेते क्वेश्चन नंबर दो क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर दो क्या दिया है संख्या रेखा पर क्या दिया है संख्या रेखा पर निकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित करिए निम्नाकित पूर्ण संख्या क्या करिए प्रदर्शित करिए और प्रदर्शित करने के लिए कौन कौन सी संख्या दिया है देखिए यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सी संख्याओं को दिया है संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए इसको मिटा दे। देखिए इसको, दे इसको भी मिटा दे रहे हैं इसको मिटा देंगे तो सवाल अनुभव करने में जगह मिलेगा स्पेस मिलेगा तो कोई दिक्कत भी नहीं रहेगा देखिए इसको भी मिटा दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर दो के बारे में हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दो क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर दो क्या दिया है संख्या दे दिया है और उन संख्याओं को बोल रहा है कि आप संख्या रेखा पर क्या करिए दर्शाइए कौन सी संख्या दे रहा है दे रहा है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हम क्या बताए थे कि सबसे सब पहले एक लाइन खींचिए लाइनर और लाइन खींच करके उसको डिवाइड करिए समान अंतराल में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोरटीन फिफ्टीन इसमें भी इधर भी दो तीन खींच लीजिए अब देखिए इसमें किसी एक को नियत मान लीजिए जीरो मान लीजिए जैसे हम इसको जीरो मान लेते हैं इसको यहाँ पे जीरो मान लीजिए इसको जब जीरो मान लिए तो इसके जब इधर आएंगे इसके इधर आएंगे तो धनात्म संख्याएं किस में ली जाएंगी ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या ली जाएंगी तो जीरो के बाद क्या पड़ेगा वन पड़ेगा इसके बाद टू पड़ेगा उसके बाद थ्री पड़ेगा उसके बाद फोर पड़ेगा उसके बाद फाइव पड़ेगा उसके बाद सिक्स पड़ेगा उसके बाद सेवन पड़ेगा तो ये सभी क्या हो जाएंगी संख्या रेखा पर दर्शा दी गई है इसको आप लोग समझ लीजिए संख्या रेखा पर ऐसे ही दर्शाया जाता है यहाँ पे लिखेंगे हल और संख्या रेखा पहले खींचेंगे और संख्या रेखा खींच करके ऐसे बराबर भाग विभाजित करेंगे और उसके बाद एक मान को नियत मान लेंगे जीरो और जीरो से स्टार्ट करेंगे आगे की ओर संख्याएं तो सभी संख्याएं प्रदर्शित हो जाएंगी तो उम्मीद करेंगे कि दो नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत है परेशानी है सवालों से संबंधित नहीं समझ में आ रहा है चाहे हम तेज बोल रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो करिए स्पीड को स्लो करिए और स्पीड स्लो करके देख सकते हैं अन्यथा वीडियो को आप दो से तीन बार देखिए आप लोगों को ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा वीडियो क्योंकि एकदम बेसिक से वीडियो है अब देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री का दिया गया क्वेश्चन नंबर थ्री दिया गया है तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में दे रहा है कि पहली और तीसरी का योगफल क्या है अट्ठाईस नंबर तीन हम देख लेते हैं क्या दिया है तीन क्रमागत संख्या दिया है हमें पता नहीं कौन संख्या है लेकिन कह रहा है कि पहले और तीसरे का योगफल देखिए पहला काम है दूसरा काम तीसरा पहले और तीसरे का योगफल कितना दिया है अट्ठाईस दिया है पहले और तीसरे का योगफल कितना दिया क्या है योग है 28 योग है 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 क्या योग 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 और किसका योग है? योग है। किसका देखिए पहले का और तीसरे का हमने आप लोगों को एक बात बताया था कि पहला और तीसरा को जोड़ देंगे और जोड़ के उसमें दो से भाग दे देंगे तो कौन सी संख्या निकल जाएगी बीच वाली संख्या ऑटोमेटिक निकल जाएगी बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी अपने आप निकल जाएगी कब जब पहले को और तीसरे को जोड़ देंगे और जोड़ करके उसमें दो से भाग देंगे तब तो, अब देखिए ये सवाल क्या दिया है पहले का और तीसरे का योग दिया है पहले और तीसरे का योग दिया है लेकिन दो से भाग नहीं किया यानी कि आधा इसका नहीं किया है अट्ठाइस का आधा कितना हो जाएगा अट्ठाईस का आधा मतलब बटा दो कितना हो जाएगा चौदह चौदह दिन अट्ठाइस होता है तो चौदह क्या हो जाएग? आधा जाएगा आधा हो जाएगा यानी कि बीच वाली संख्या क्या प्राप्त हो गई हमें बीच वाली संख्या हमें चौदह प्राप्त हो गई तो बीच वाली संख्या से आगे वाली संख्या एक आगे होती है और पीछे वाली संख्या एक पीछे होती है तो चौदह से एक आगे क्या हो जाएगा चौदह प्लस बराबर पंद्रह तो क्या हो जाएगी पंद्रह और पीछे वाली संख्या क्या होगी इसमें से कम अर्थात चौदह माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा तेरह तो तीनों संख्याएं प्राप्त हो गई पहली तेरह है दूसरी चौदह है और तीसरी पंद्रह तीनों संख्या आप लोगों को प्राप्त हो गई है तो उम्मीद कर रहे होंगे कि ये भी प्रश्न इजी है आप लोगों को समझ में आया होगा इजी वे में नहीं समझ में आया है तो अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसमें और अधिक सुधार किया जा सके उम्मीद करेंगे कि अपने ओर से हंड्रेड परसेंट तो दिया ही जा रहा है और उसमें सुधार करने की कोई जरूरत हो तो अपने तरफ से सुधार जरूर किया जाएगा अब देखिए क्वेश्चन नंबर चार की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर चार क्या है इसको मिटा देते हैं क्वेश्चन नंबर दो को क्वेश्चन नंबर को मिटा करके और क्वेश्चन नंबर चार हम लोग हल करते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर चार का दिया है क्वेश्चन नंबर चार दिया है तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं तीन क्रमागत पूर्ण संख्याएं दी गई है कितनी संख्या है तीन क्रमागत है क्रम से है क्रम से होने का मतलब क्या कि ग्यारह बारह तेरह एक दो तीन चार पांच छह ये क्रम से हैं तो क्रमागत संख्याएं दी गई है और कितनी दी गई हैं तीन दी गई हैं तीन क्रमागत संख्याओं के मध्य की संख्या उनतालीस है मध्य की संख्या कितनी है मध्य की संख्या उनतालीस है अब देखिए पहली संख्या मध्य की संख्या उन्तालीस दिया तो इसको पहले लिख लेते हैं हम पहली संख्या दूसरी संख्या उनतालीस दिया है मध्य की संख्या और तीसरी संख्या देखिए ये मध्य की संख्या हो गई और ये मध्य की संख्या दिया है मध्य की संख्या उनतालीस दिया है संख्या संख्या नहीं दिया है, तीसरी संख्या नहीं दिया दिया है, है, तीसरी तो क्या करेंगे? अब आगे देखिए क्या दिया है? से तीनों संख्या हो जाएगी उनतालीस देंगे तो यह हो जाएगी उनतालीस प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगी चालीस दूसरी संख्या क्या हो जाएगी चालीस और इसके पहले कर देंगे तो यानी कि माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगी 38 तो तीनों संख्याएं उम्मीद कर रहे होंगे कि प्राप्त हो गई कौन-कौन प्राप्त हो गई 38 39 और 40 ये तीनों संख्याएं प्राप्त हो गई अब देखिए इसमें जोड़ने का पर्पस क्या है क्योंकि इससे एक संख्या अधिक होती है क्रम से होती है क्रम से होती है इससे एक संख्या अधिक होती है इससे संख्या कम होती है तो इससे कम कर दिए हैं और इसमें एक जोड़ करके इसको अधिक कर दिए हैं तो तीनों संख्या क्या प्राप्त हो गई एक अड़तीस हो गई पहली संख्या दूसरी संख्या उत्तालीस हो गई और तीसरी संख्या क्या हो गई चालीस अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो पांच है वो लास्ट सवाल है आज का और लास्ट सवाल है तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं ज्यादा समय न लेते हुए देखिए लास्ट सवाल क्या दिया है प्राकृतिक संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या को सम्मिलित कर लेने से प्राकृतिक संख्याओं का समूह दिया है और उसमें किस संख्या को सम्मिलित कर लेंगे तो वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है अब प्राकृतिक संख्याओं का समूह कैसे दिया है ध्यान से देखिए इसको मिटा दे रहे हैं नीचे वाले सवाल को प्राकृतिक संख्याओं का समूह किस प्रकार से दिया है देखिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्या वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन डॉट 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 इंफिनेटिव अनंत ये क्या है ये सभी प्राकृतिक संख्या हैं और सवाल में क्या बोला है कि प्राकृतिक संख्याओं में किस संख्या को शामिल कर लिया जाए किस संख्या को शामिल कर लिया जाए शामिल करने का मतलब कि इसमें किस संख्या को आगे जोड़ लिया जाए तो जीरो को जोड़ लेंगे तो ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी इसीलिए प्राकृतिक संख्याओं में कहा जाता है कि यदि जीरो को शामिल कर लिया जाए तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी तो उम्मीद कर रहे होंगे कि ये जो पांचवा सवाल है ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा इसको देख लीजिए एक बार स्क्रीन ले लीजिए और इसका नोट्स आप प्रॉपर बनाते चलें नोट्स बनाते चलेंगे तो रिवीजन में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी उम्मीद कर रहे होंगे कि ये वीडियो आप लोगों को एकदम बेसिक से समझ में आया होगा और बेसिक्स समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि अन्य लोग जो स्कूली परीक्षा की तैयारी करते हैं छठवीं क्लास में हैं चाहे एन की बुक पढ़ते हैं चाहे एस की बुक पढ़ते हैं वो कम से कम पूर्ण संख्याओं के बारे में बेसिक नॉलेज इकट्ठा कर सके क्योंकि स्कूलों में बेसिक नॉलेज नहीं बताया जाता है डायरेक्ट क्या किया जाता है कि प्रश्नावली के सवाल बताने बताने लगते हैं टीचर लोग तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमें लगता है कि जो बेसिक इंस्ट्रक्शन है पूर्ण संख्याओं से रिलेटेड उसके बारे में पहले चैप्टर के बारे में जानिए और जान करके उसके बाद सवाल हल करेंगे तो चैप्टर को कहीं ना कहीं आप बेहतर कर पाएंगे तो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्ले में लिंक पड़ी हुई है जा कर के और पीछे की जो वीडियोज़ पड़ी हुई है उसको जा करके आप आसानी से देख सकते हैं तो ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार थैंक यू थैंक यू सो मच